सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, और कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कुछ इंस्टाग्राम की प्रॉब्लम, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो में हमारा, आप देख सकते हैं। तो ये हम प्रॉब्लम इसमें बताएंगे कि जैसे कि मतलब हम पहले स्टार्ट कर देते हैं फिर बता देते हैं। यहाँ पर मैं यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं, यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा प्रॉब्लम बता रहा है, इंटर लॉगिन सिक्योरिटी वाला ऑप्शन बता रहा है। तो मैं इसको कैसे ओपन करते हैं इस वीडियो में हम यही बताएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत आता है विदाउट नंबर विदाउट जीमेल के इसको ओपन करें। जैसे कि हमारा इसमें ना जीमेल है ना नंबर है, तो मैं इसको कैसे ओपन करूँगी इस वीडियो में बताएंगे। अगर हमारी वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। सो यहाँ पर देख लीजिए कुछ, यहाँ पर आप जब आईडी ओपन करते हैं तो यहाँ पर एनोदर मतलब वाई एनोदर पे आता है। तो यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद देख लीजिए यहाँ पर वो मतलब बैकअप कोड आता है, गेट सपोर्ट आता है, विजिट हेल्प आता है। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, उस पर आपको क्या क्लिक करना होगा पहले ये आप सोचिए मत। मैं जो बताऊँगा वो आप स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करिए, तभी आपकी आईडी ओपन होगी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप सेकंड पे मतलब टैप करना होगा, इस पर सेकंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए कुछ ऑप्शन हमारा आ रहा है, जैसे कि मतलब सबमिट रिक्वेस्ट, मतलब यहाँ पर रिक्वेस्ट सबमिट करना होगा। तो मैं रिक्वेस्ट सबमिट करके आपको दिखा देना हो कैसे क्या मतलब करना होगा आपको। तो मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। पहले मैं वीडियो को भी स्किप नहीं करना, यहाँ पर आपको पहले जीमेल डाल देना होगा, मतलब जीमेल आपको डाल देना होगा। और उसके बाद जीमेल मतलब यहाँ पर आपको न्यू जीमेल डालना होगा, यहाँ पर न्यू जीमेल और यहाँ पर वही सेम जीमेल जो यहाँ पर ऊपर डालेंगे। फिर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ वीडियो को स्किप करने के बाद। यहाँ पर देख लीजिए मैंने यहाँ पर जीमेल डाल दिया, जो न्यू मैंने बनाया था, मतलब जिसकी आईडी में ठीक कर रहा हूँ उसका जीमेल मतलब एज ए न्यू बना के मैंने एक जीमेल डाल दिया। तो ऊपर वाला नीचे वाला सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आप आईडी अपनी ओपन करें, तो उस आईडी में अगर आपकी खुद की फ़ोटो है तो आप यहाँ पर पर्सनल अकाउंट विद फ़ोटो क्लिक कर दी फिट फोर्टी फोर मी। और अगर आपका जो अकाउंट है विदाउट फ़ोटो है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दिए। बस यहाँ पर पहले मैं इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि फ़ोटो की वजह से कैसे। तो यहाँ पर आप सेकेंड पे क्लिक करना होगा, मतलब सेकेंड पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो मैंने ऐसा लिखा है इसको आपको सेम एज ए लिख लेना होगा, क्योंकि मतलब कोड के ही इसमें मैंने आपको रिक्वेस्ट बना के दिया। फिर आपको यहाँ पर ऐसे सबमिट कर देना, सबमिट रिक्वेस्ट। तो मैं यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पर कोई हमारा नोटिफिकेशन मैसेज आया, सपोर्ट रिक्वेस्ट सबमिटेड मतलब सबमिटेड। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों मेरे जीमेल पे एक मैसेज आ गया, मैं दिखा देता हूँ आपको मेरे जीमेल पे क्या आया है। मेरा जीमेल देख लीजिए यहाँ पर, ये हमारा जीमेल है, इसको ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद ये हमारा देख लीजिए, इसमें हमारा कुछ ऐसा आया है, थैंक्स फॉर मतलब जैसे कंटिंग फॉर ये हेल्प योर न्यू डे और फॉर मतलब इसमें बहुत सारे कुछ लिखे हैं कोड वगैरह। तो ये हमारा कोड आ गया जिसकी हमारी ज़रूरत थी, तो ये कोड आ गया। मैं बताता हूँ इसको क्या करना होगा। और देख लीजिए आपको कुछ रिप्लाई का ऑप्शन आता है, को रिप्लाई करना होगा। रिप्लाई करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आने के बाद देख लीजिए आप यहाँ आपको कुछ लिख देना होगा। मैं वीडियो स्किप करके मैं यहाँ पर लिख दिख के बता देता हूँ क्या लिखना होगा। सो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया है, जो कि आपको ऐसे लिख देना होगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद अटैच फाइल पर क्लिक करना, अटैच फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी फ़ाइल ओपन होगी। फाइल ओपन होने के बाद रिफ्रेश कर देते हैं। फिर यहाँ पर देख लीजिए एक मतलब पिक है, जो कि मैं आपको गैलरी से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी पिक है, यहाँ पर पिक दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए हमारी पिक है, मतलब एक जो हमारे भाई थे उसकी पिक है। तो यहाँ पर ये जो कोड मैंने आपको जीमेल में दिखाया था, तो आपको ऐसे ही एक मतलब कॉपी वाइट पेपर लेना होगा। पेपर वाइट पेपर लेने के बाद यहाँ पर उस वाइट पेपर पे आप मतलब यूज़र नेम लिख दो, यूज़र नेम लिख देना होगा अपनी आईडी का, जो आईडी आपको ऐसे बंद हो गई। फिर इस आईडी का नेम, फिर ये कोड जो जैसे आता है, उसके बाद आपको यहाँ पर ऐसे करके आपको यहाँ पर सेंड पे क्लिक कर देना होगा। देख लीजिए तो मैंने सेंड पे क्लिक कर दिया। अब कुछ एक दो घंटे के बाद वो हमारा मैसेज आएगा रिकवरी कोड, उसको डाल के आईडी ओपन करके दिखा देगा। तब तक लिए वीडियो स्किप कर देता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए हमारा कोड आ गया है, जो कि मैं यह कोड अपना दिखा नहीं सकता, क्योंकि कोड देखने से मतलब ये आईडी ओपन हो सकती है, बट मैं कोड दिखा नहीं सकता। यहाँ पर आपका आप मैसेज दिखा देता हूँ, देख लीजिए ऐसा कुछ मैसेज आया हमारा, पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो हमारा
और मतलब सिक्योरिटी कोड था ये ऑफ हो चुका है, और नीचे कोड भी दिया है, ऐसे आप लिंक की वजह से खोल भी सकते हैं। सो दोस्तों देख लीजिए, मैं आईडी ओपन करके भी दिखा देता हूँ आपको कि कैसे आईडी ओपन होती है या नहीं। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, मैंने आईडी पासवर्ड डाल दिया, मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि होता है या नहीं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये आईडी हमारी ओपन हो गई है, ये आईडी मतलब भाई की ओपन हो गई है। तो इस तरह देख लीजिए, यहाँ पर सारी इनकी फ़ोटो मतलब आ गई इनके दोस्तों की, ये देख लीजिए। और तो यहाँ पर मैसेज वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारे मैसेज वगैरह आ गए भाई के, कितने मैसेज, और यहाँ पर मेरी मैं भी आईडी फॉलो किए हैं। तो ऐसे ऐसे आप आईडी हो सकता है दोस्तों, आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। अगर आईडी नहीं ओपन होती है तो मुझे कमेंट करिए, मैसेज करिए, डीएम करिए इंस्टाग्राम पे, मैं आपकी हेल्प करूँगा। सो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।